देते हैं तो खुदा उसे कबूल कर देता है और उसके बदले में आपको बहुत सारी बरकतें दे देता है। आप खुदा के धन्य लोग हैं, मुबारक लोग हैं, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। खुदा दयावंत है, वो दया करने वाला खुदा है, तो वो चाहता है कि आप लोग भी उसकी तरह दयावंत हो जाए। खुदा पाक है, वो चाहता है आप पाक हो जाए। खुदा पवित्र है, वो चाहता है कि आप लोग भी पवित्र हो जाए। खुदा सच्चा खुदा है और वो चाहता है कि आप भी सच्चे हो जाए। खुदा के पास अनंत काल का जीवन है और वो चाहता है कि आपके पास भी अनंत काल का जीवन हो। खुदा आपके कामों को कभी नहीं भूलेगा। आपके काम, आपकी सोच, आपके विचार हर वक्त उसके सामने खुले। कल मैंने कहा था कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा के सामने खुली नहीं। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपकी जिंदगी, आप मन में क्या सोच रहे हैं वो भी खुदा जानता है। उसके सामने पेपर का आप खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते। वो तो ऐसा खुदा है कि आपकी पुकार इससे पहले के होठों तक आए वो जान जाता है, वो पहचान जाता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची क्या कहने वाली है। तो खुदा का दिया हुआ दिन है और खुदा के दिन में हम आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और हमने गीत गाया है कि असी रब दे बंदे हैं, क्योंकि ऐसा ही गीत है, असी रब दे बंदे हैं, तो रब हम याद करते हैं। तो दो चीजें हैं, अगर हम रब के बंदे हैं तो वो प्यार करता। अब सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि आप वाकई में रब के बंदे हैं। आप वाकई में रब के बंदे हैं, आप रब के बच्चे हैं। अगर आप रब के बंदे हैं तो रब जैसे बन जाओ, उसकी शक्ल और सूरत आपकी शक्ल और सूरत से मिलने लग जाए। वो कहते हैं ना यार, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया, तो बाप पर जाना है तभी तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हमें उसके जैसी शक्ल और सूरत, उसके जैसी सीरत, उसके जैसा मन, उसके जैसी सोच अपनानी है। मैं आपसे कहता हूं कि आंखें बंद करो, दुआ करने जा रहे हैं, आप आंखें बंद नहीं करते, बीच बीच में खोल के देखते कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि अपने हाथ उठा लीजिए, खुदा आपको पत्तों से भरने जा रहा है। आप हाथ नहीं उठाते कैसे भर जाओगे, भर जाओगे? आपने वो फनल देखी, फनल हुआ भी वो कणक पौधे देखी देना पहले, वो बड़ा सारा एक बड़ा सारा टुप्पा जहा हूँ है ना, वो बोरी में कहते थे डालो ऊपर से उसमें से डालते थे, तो वो नीचे बोरी भर जाती थी। फनल कहते हैं उसको अंग्रेजी में, और मेरा ख्याल है कुप्पा शायद पंजाबी में, कुप्पा कुप्पा बोलते हैं। उससे जो अनाज है ना वो बोरियों में भर जाता है। तो मैं जब आपसे कहता हूँ अपने हाथ उठाए, आप अपने आप को वैसा ही बनाते हैं कि खुदा आपको भरे, आप हाथ नहीं उठाते तो कैसे भरे जाओगे? जब अपने आप को खुला करोगे तब भरे जाओगे, नहीं तो रह जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा आपके कामों को कभी नहीं भूलेगा। जो सेवाएं आप करते हैं, जो अस्पताल के लिए आप काम करते हैं,
जो अपने परिवार के लिए आप काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए आप काम करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और बच्चे आराम से बैठ के टेबल पर खाते हैं, तो वो कभी नहीं भूलेगा, इन कामों को कभी नहीं भूलेगा। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो आपके कामों को भूल जाए। वो दयावंत है, इसलिए आप भी दयावंत बन जाए। आज का जो मौजू मेरा रहेगा ना, यही है कि खुदा दयावंत है, खुदा मेहरबान खुदा है। आप भी मेहरबान बन जाइए, आप भी दयावंत बन जाइए। वो आपकी मोहब्बत को कभी नहीं भूलेगा तो आप उसके नाम से रहते हैं। पढ़ेंगे जी हिब्रियों इब्रानियों उसका 6 उसकी 10वीं। क्योंकि आप पाक और पवित्र लोगों की सेवा करते हो, कर रहे हो, और खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा ही करते रहो। इब्रानी 6:10 क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं के तुम्हारे God is not unjust. God is not unjust. खुदा अन्यायी नहीं है। ये पहला जुमला जो है शुरू किया गया है कि खुदा अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला खुदा है, वो सच्चा न्याय करने वाला खुदा है। और आगे पढ़िए कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, कि वो तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारी उस प्यार, तुम्हारी उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुम उसके नाम से करते हो और पाप और पवित्र लोगों की सेवा कर रहे हो, और ऐसा ही करते रहो। ये आज का कलाम ये रहेगा, ऐसा ही करते रहो। 11 की दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, और ऐसा ही करने का प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, लगातार कोशिश में लगे रहो कि आपसे कोई गलत काम ना हो जाए, आप सच्चे सच्चे बन जाए। 11 का दूसरी लाइन पढ़ दीजिए, आखिरी लाइन, के तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा ही प्रयत्न करते रहो, अपने प्रयत्न से कहीं पीछे मत रखना। अगर मुझे अच्छाई करने का काम मिला है तो मैं अच्छाई में लगा रहूं, अगर मुझे प्रचार करने का काम मिला है तो मैं प्रचार में लगा रहूं, अगर मुझे सेवा का काम मिला है तो मैं सेवा में लगा रहूं, अगर मुझे टीचिंग का काम मिला है तो मैं टीचिंग में लगा रहूं। खुदा का कलाम कहता, एक बार खुदा ने अपने चेलों से कहा, और मैं भूखा था। खुदा ने कहा, खुदा भूखा हो सकता है? नहीं भूखा हो सकता। आसमान जिसका है, आसमान की बरकतें जिसकी हैं, जमीन जिसकी है, जमीन की सारी बरकतें उसकी है, वो कभी भूखा नहीं हो सकता। वो तो लोगों को देने वाला है, वो कैसे भूखा हो जाए? वो तो लोगों को अन्न अनाज के भंडारों से भर देता है, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है, वो भूखा कैसे हो सकता है? और एक दिन उसने कह दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई है, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरे पैरों में जूती नहीं थी, आपने मुझे जूती दी है, मुझे कपड़े दिए हैं। लोगों ने कहा, है खुदावन तू कब भूखा था? ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, तू कब भूखा था कि मैंने तुझे रोटी खिलाई, तू कब प्यासा था कि मैंने तुझे पानी पिलाया, मैंने कब तुझे कपड़े दिए, मैंने कब तुझे जूती पहनाई है? तो उसने जवाब दिया, इन खड़े हुए लोगों में से, इन छोटे छोटे लोगों में से अगर तुमने किसी के साथ ऐसा किया है तो समझ लो मेरे साथ किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, इसे समझने की कोशिश करें। इन छोटों में से, छोटे से छोटों में से अगर तुमने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लीजिए मुझे पिलाया। अगर आपने किसी को एक रोटी का टुकड़ा दिया है तो समझ लीजिए वो मुझे दिया है। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता। आजकल जमाना चला गया है कि कोई किसी को रोटी खिला दे, आज वो जमाना चला गया है जब किसी को कोई पानी पिला दे। आज तो अपना ही पूरा नहीं पड़ता तो दूसरों को क्या किया जाएगा।
तब राजा तब मालिक तब खुदा उनको जवाब दे देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे बहन भाइयों में से अगर किसी के साथ भी कुछ किया है तो समझ लो वो मेरे साथ किया। मत्ती की अंजील उसका 25 उसकी 40 मिनट जल्दी से जरा पढ़ दी। हाँ जी। तब राजा ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। जहाँ बाइबल में ये लिखा है ना कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, उसे अंडरलाइन कर लिया करें। वो चाहता है कि ये शब्द आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड हो जाए, इसीलिए कहता है कि मैं सच नहीं सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। आज भी कलाम आपसे कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। पढ़िए। क्या तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। जो कुछ आप खुदा के बंदों के साथ करते हैं ना, बस सीधी सी वन लाइन आंसर है। खुदा के बंदों के साथ जो कुछ भी आप करते हैं, समझ लीजिए आपने खुदा के साथ वैसा किया। अगर तुमने से किसी को भी एक पानी का कटोरा पिलाया है ना, तो समझ लीजिए वो मुझे पिलाया है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की पानी कहती है। जो लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनको याद आ गया होगा, उन्होंने इस बात को याद कर लिया होगा और उनको उनका प्रतिफल मिलेगा। मत्ती के झील 10 पाप है उसकी 42 न्याय बयान करती है कि आपको इन कामों का फल मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा। आप इनाम के हकदार हैं अगर आप अच्छे काम करते हैं तो। अरे 10:42 का इन छोटों में से ये आखिरी लाइन पढ़ती है, तुमसे सच सच कहता हूँ। वो पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। किसी भी रीति से आप अपना प्रतिफल अपना इनाम नहीं खोएंगे। अगर खुदा के बंदों के साथ आपने अच्छाई की है तो, अगर भलाई की है तो, आज का मान मेरा ये है खुदा दयावंत है, आप भी दयावंत बन जाइए। खुदा मेहरबान खुदा है, आप भी मेहरबान बन जाइए। आपके हर एक काम को खुदा देखता है, आपकी जिंदगी खुदा के सामने बेपर्दा है, खुली हुई किताब है। जो गरीब की मदद कर देता, जो कंगाल पर अनुग्रह कर देता, जो गरीबों की सहायता करता, खुदा का कलाम कहता है वो मुझे उधार देता है, वो मुझे उधार देता है और फिर ब्याज समेत 10 गुना पा लेता है। आप आज से अच्छे काम करने शुरू कर दीजिए तो बैंक वाला ब्याज नहीं देगा, वो भरपूर जिंदगी वाला ब्याज जो है वो आपकी जिंदगी में छोड़ देगा। नीति वचन निकालेंगे उसका 19वां अध्याय उसकी 17 आयत बयान करती है, जो खुदा जो गरीबों की मदद करता है वो खुदा को उधार देता है और समय आने पर ब्याज समेत 10 गुना पाता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं माय फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स आपसे कहता हूँ कि जब तक मौका मिल सकता है, जहां भी मौका मिले भलाई करना ना भूलें। कल मैं वॉशिंग सेंटर पर अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए गया हुआ था तो वॉशिंग सेंटर लड़कों की लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो गई तो सारे तमाशा देख रहे हैं, उनको किसी ने नहीं छुड़ाया। हार के मैं उठा, मैं इसलिए नहीं उठा, मैं बूढ़ा बंदा हूँ यार, मैं गिर गुड़ जाऊंगा, वॉशिंग सेंटर में बड़ा कीचड़ वीचड़ होता है, मैंने कहा मैं गिर जाऊंगा। हार के मुझे उठना पड़ा उनको, और उनकी लड़ाई में मुझे भी एक कसूर लग गया और गिरने से बच गया। मुफ्त का तमाशा है लोग देखते हैं, मुफ्त का तमाशा लोग देखते हैं, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। लड़ने दो, मरने दो,
आज का जमाना ऐसा आ गया और लड़ाई का कोई कारण नहीं था। वो कहीं काम कर रहे थे, उनको गाड़ी मिली थी और आपस में बांटने पर ही लड़ाई हो गई। इसलिए जहां तक मौका मिले भलाई करने में आगे रहो, गलतियों 6-10 की करेंगे नहीं, वक्त ज्यादा हो जाए, सिर्फ नोट कर ले। नोट करने वाले गलतियों 6 बाप उसकी 10वीं आज का पहला हिस्सा बयान करता है। इसलिए जहां तक हो सके, जहां तक मौका मिले भलाई कर लो, भलाई करते रहो। एक दिन एक खुदा के बंदे को आवाज आई, हे कॉर्नेलियस, हे कॉर्नेलियस, तेरी दुआएं खुदा के सामने आ गई हैं, तेरे किए हुए काम खुदा के सामने आ गए हैं, तेरी याद में खुदा ने अपनी किताब को खोल लिया है, तेरे दान खुदा के सामने पहुंच गए हैं, तेरी बातें, तेरे किए हुए काम जो है वो खुदा के सामने आ गए हैं। खुदा की भक्तों में बने रहिए, एक दिन आपके लिए भी आवाज आएगी, अरे मेरे बेटे, तेरे काम, तेरी बातें खुदा के सिंहासन के सामने आ गई हैं, तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ खुदा के सामने पहुंच गई है, तेरे दान खुदा के सामने पहुंच चुके हैं। ऐसी आवाज आने वाली है और ऐसी आवाज आप तभी सुन पाएंगे जब आपके कान खुदा के कलाम की तरफ पड़े रहे, अपने मन को शांत रखे और भलाई करते चले जाए। भलाई करते चले, शांत मन जो होता है वो तन का जीवन होता है, और मन के जलने से तो हड्डियां भी जल जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह शाम खुदा को याद करता हूं, यदि वचन 14:30 है, शांत मन तन का जीवन होता है और मन के चलने से शरीर या हड्डियां भी चल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ेगी कहां लिखा है, शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अपने मन को शांत रखें, खुदा में मजबूत रखें, अपने दुश्मन, खुदा कहता अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। रास्ते में अगर आपको कोई कुछ कहता है ना, तो कुछ करके अपने रास्ते पर चलते जा। अगर ईमानदार आदमी, सच्चा सुच्चा आदमी सड़क पर चल रहा हो तो कई कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो जवाब में जो इंसान है ना वो भौंकना शुरू नहीं करता, तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा होता। दुश्मनों की मदद करते जाएं, उनसे प्यार करते जाएं और भलाई करते जाएं, इसका आपके लिए बहुत बड़ा फल होगा। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बन जाओ। आखिरी आयत है मेरी, लूका की अंजील है, उसका 6 बाप है, उसकी 36वीं आयत ध्यान करती है, जोर से पढ़ें जरा क्या लिखा है। 6:36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। बस आखिरी आयत है मेरी, इसे नोट कर लें, आपके साथ जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि जैसे खुदा दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बन जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ रुका दो, थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा में से ज्यादा, गरीबों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, कंगालों की मदद करें, और जो सेवाएं आपको दी गई हैं उन सेवाओं को दिल से, ईमान से पूरा करते चले जाएं। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथों को छोड़ देंगे, वक्त की इजाजत नहीं देता कि मैं इससे आगे और जाऊँ, इसलिए हम खुदा की पद लेने के लिए अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं। खुदा दयावंत, खुदा हमें भी चाहिए कि हम दयावंत हो जाएं। खुदा हमें ऐसी तौफीक दे दे, खुदाया ऐसा बल दे दे, ऐसा ज्ञान दे दे, ऐसी सच्चाई दे दे, ऐसा शीशा दे दे खुदा माफ, कि हम तुझे आमने सामने देख सकें, तेरे हुक्मों की पालना कर सकें खुदा, और तेरे इन बनाए हुए छोटे से छोटे बंदों के साथ, बंदियों के साथ
नरमी से पेश आए खुदा, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें खुदा, जो तू आज हमसे चाहता है। तेरा कलाम फरमाता है कि जैसे मैं दयावंत हूँ तुम भी दयावंत हो जाओ। हम दयावंत के पात्र होना चाहते हैं, हमें ऐसा पात्र बना दे खुदा कि हमारे मनों से हमारे दिलों से दया उभर कर बाहर आ जाए, दया के सागर उमड़ने लग जाएं खुदा अनुबाद, और हर एक बंदा बहुतायत की जिंदगी को पा ले उस खुदा के नाम से जो हमें यूँ मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते क्योंकि हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाई से ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। स्वर्गों की तरफ उठाए खुदा, आपको बरकतों से करने के लिए जा रहा है, अपने आप को खाली करे ताकि उसका अनुग्रह आप में भर दिया जाए, उसकी आशीष आप में भर दी जाए, उसकी सच्चाई आप में भर दी जाए, उसकी दया आपके अंदर भर दी जाए और आप दया के स्रोत बन जाए। अब हमारे खुदा और यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, और उठे हुए इन प्यारे मोहब्बतों से भरे हुए इन पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।